Assalamualaikum. Thank you very much for joining in on my channel. If you're new, please don't forget to subscribe. Thank you. आज मैं आपके लिए ये बहुत ही ग्लैमरस और सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ. आई होप आपको ये देख के कुछ सीखने को मिलेगा और आप इन्जॉय करेंगे. तो सबसे पहले ब्राइडल मेकअप के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप स्किन को क्लीन करें. मैं मिसलर वाटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. अब मैं एक बहुत ही लाइट डेली मॉइस्चराइजर जो है वो यूज़ कर रही हूँ. ये सिंपल वालों का है. यूके में एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है ये और हर जगह मिलता है. सिंपल कंसीलर इसलिए यूज़ करना चाहिए कि अगर किसी की स्किन ऑयली हो तो वो मज़ीद जो है, अगर आपने बहुत ही हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ किया है तो उससे वो और ज़्यादा ऑयली ना हो जाए. लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या उनके स्किन पे एक्जिमा है तो उसके लिए एक आपको हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करना होता है. तो जो मेरी मॉडल है यहाँ पे, आई गेस इनकी स्किन ऑयली थी तो इसीलिए मैंने सिंपल मॉइस्चराइजर यूज़ किया है. अब मैं इनकी आई शेडो के लिए बेस बना रही हूँ. कंसीलर मैंने लिया है फ्लैट ब्रश में और उसको मैं पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ठीक से. और इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप आईब्रोज पे ना लगाएं, और जिस तरीके से आप आईब्रोज बनाते हैं उसी तरीके से एक लाइन नीचे को लेके जाएं. अब मैं पूरी आँख पे सही से इसको अप्लाई कर रही हूँ. अब ये मैं एक स्पंज की मदद से उसको फ्लैट कर रही हूँ, स्मूथ कर रही हूँ, ताकि ये सही से जब मैं इसको पाउडर से सेट करूँ तो अपनी जगह पे मौजूद हो. और अब मैं इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ ताकि जो हम आई शेडोज लगाएं उससे ये स्टिकी ना हो. मैं आईब्रोज पहले बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ उसके बाद मुझे थोड़ी मुश्किल होती है अपना हाथ फेस पे रखने में. फिर जहाँ मेरे हाथ जो है वो काफ़ी स्वेटी होता है, हमेशा उसे पसीना आता है, तो जहाँ पे भी मेरा हाथ लगता है वहाँ से फाउंडेशन हट जाता है. इसीलिए मैं मोस्टली जो है वो आईज पहले करती हूँ और फाउंडेशन बाद में. अब मैं एक ये पिंक कलर लेके इनकी जो ट्रांजिशन है वो बना रही हूँ पूरा, और क्रीज एरिया में और उससे आईब्रोज के ऊपर, क्योंकि इनका जो ड्रेस है वो पूरा पिंक एंड डार्क ब्लू है. अब मैंने एक डार्क ब्लू शेड लिया है और उसको मैं पहले खूब सारा, आपको अपने ब्रश में प्रोडक्ट को लोड करना होता है ताकि वो सही से अप्लाई हो और उसकी इंटेंसिटी अच्छी क्रिएट हो जाए. उसके बाद ब्लेंडिंग करनी होती है. आप लगा लगा के ही उस वक्त ब्लेंडिंग के लिए परेशान ना हो कि मैं इसको साथ के साथ ही ब्लेंड कर दे रहा हूँ. पहले आप उसकी जो राइट कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद ब्लेंड करें. तो ये जो ब्लू ब्रश है पहले, यानी जिसमें मैंने ब्लू आई शेडो लिया है उससे भी ब्लेंड किया है, और अब जिससे मैंने पिंक लगाया था उससे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसको. अब जो इनका इनर पार्ट था उसमें मैं एक गोल्ड आई शेडो लगा रही हूँ, जो कि इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो गोल्ड आई शेडो मैंने लगाया था. अब मैंने थोड़ा डार्क गोल्ड लिया है उससे मैं, ब्राइडल मेकअप में लेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई शेडोज़ में जितने आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं और उसको लेयर करते हैं उतना ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है. तो अभी मैं ये डार्क गोल्ड ले रही हूँ, उसको लेयर कर रही हूँ. सॉरी, मेरा कैमरा इस वक्त उनकी आईज़ को फोकस नहीं कर रहा बल्कि मेरे हाथ को कर रहा है. और अब मैंने थोड़ा इवन और डार्कर आई शेडो लिया है और मैं उसको ऑन टॉप पैक कर रही हूँ. अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ. आईलाइनर ये जो है, मैं ब्राइड्स के लिए हमेशा जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ. इंग्लॉट का है ये, आई थिंक नंबर 77, बहुत ही मशहूर आईलाइनर है ये और बहुत ही डार्क कलर होता है इसका. बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्टेइंग है और बहुत ही बारीक ब्रश से मैं इनका आईलाइनर लगा रही हूँ. आईलाइनर जब आप इनर कॉर्नर में लगाएं तो इस तरीके से इनकी आईलिड को पकड़ के थोड़ा सा लिफ्ट करें, और उससे ये होता है कि आईज की जितनी भी चुन्नटें होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वो प्रॉपरली खुल जाते हैं और आपका आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है. एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको सफाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिर में जब आप फिनिशिंग टचेस करते हैं तो सब चीज़ें एक साथ हो जाती हैं एंड दे ऑल कम टुगेदर, सो यू डोंट नीड टू वरी टू मच. और अब मैं चूंकि फाउंडेशन लगाऊंगी इसलिए मैं उनकी अंडर आईज साफ़ कर रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा ब्लू आई शेडो जो थे उसके फॉल आउट्स थे.
और अब ये मैं कलर करेक्टर जो है उनकी चिन पे लगा रही हूँ, अंडर आईज में लगा रही हूँ। कलर करेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो समटाइम्स फाउंडेशन जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की स्किन पे नहीं भी होता, जैसे मैं बगैर अपने कलर करेक्शन किए हुए फाउंडेशन लगा लेती हूँ और वो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स ऑलवेज अ सेफ स्टेप, हमेशा ये आपकी एक समझें एक सेफ मूव होता है कि आप ये कर लें और उससे जो है वो आपको परेशानी नहीं होती बाद में। ऑरेंज कलर करेक्टर स्किन की इंटेंसिटी के हिसाब से लगता है। अब अगर किसी का थोड़ा और ज़्यादा डार्क कलर होता तो मैं और डार्क ऑरेंज करेक्टर लगाती। और अब ये मैंने इनके फाउंडेशन लगाया है जो कि मैं अब स्किन में लगा रही हूँ। जब आप फाउंडेशन लगाएं ब्राइडल फाउंडेशन तो ब्रश को इधर से उधर ड्रैग ना करें, बल्कि उसको स्टिपलिंग मोशन में लगाएं, यानी जैसे मैं लगा रही हूँ, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो। क्योंकि अगर आप इधर से उधर उसको ड्रैग करते रहेंगे तो फाउंडेशन इधर से उधर मूव होता रहेगा और वो सही से सेट नहीं होगा। ब्राइडल फाउंडेशन हमें थोड़ा हैवी चाहिए होता है और उसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट लगानी होती है। एक थिन लेयर लगाई, फिर उसके बाद दूसरी थिन लेयर लगाई। अब ये जो फाउंडेशन है मैं उसको एक गीले स्पंज की मदद से, वेट स्पंज की मदद से उनकी स्किन में सही से सेट कर रही हूँ, और जो भी एक्सेस फाउंडेशन होगा वो स्पंज में आ जाएगा। अब ये मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी फिंगर से ही लगाती हूँ, उससे होता ये है कि ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रश में एब्जॉर्ब नहीं होती, और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट लगाते हुए थोड़ी वार्म अप हो जाती है। ये मुझे लगा था कि मैंने बहुत ही लाइट कंसीलर लगा दिया है, तो कोई बात नहीं, उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपने नीचे जो भी सारे स्टेप किए हैं वो भी हट जाएंगे। मैंने एक थोड़ा और डार्कर फाउंडेशन, सॉरी कंसीलर लिया और उसको उसके साथ मिला दिया, तो ये अब उतना ज़्यादा लाइट, उतना लाइट नहीं लग रहा जितना ये पहले लग रहा था। और अब मैं लाइटली इसको स्पंज की मदद से, स्पंज को स्क्वीज करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इस स्टेप में भी अभी भी आपको बहुत ज़्यादा सफाई के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा ब्रश लेके आप इनर कॉर्नर में क्लीन कर सकती हैं और साइड में क्लीन कर सकती हैं। अब ये जो मैंने फाउंडेशन फोरहेड पे लगाया होगा, और सॉरी कंसीलर फोरहेड पे लगाया होगा और नोज पे, उस सबको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब जब आप ब्राइड्स के कंसीलर लगाएं तो उनसे कहें कि वो ऊपर देखें, अपना पूरा फेस ऊपर करके नहीं, सिर्फ आंखों से ऊपर। इससे होता ये है कि जो आपकी अंडर आइज की स्किन है वो स्ट्रेच हो जाती है और आपकी लाइंस नहीं बनती। अब मैं पूरा फेस जो है वो पाउडर से सेट कर रही हूँ, और चिन पे और नेक पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां तक ब्राइड का गला है आप वहां तक, गला मुराद शर्ट से जो जो शर्ट का गला है, जो नेक लाइन है, उधर भी आप पूरा फाउंडेशन लगाएं। अभी ब्रश से मैंने इनर कॉर्नर में उसको ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ब्राइडल कॉन्टोरिंग है, थोड़ी सी डार्क होती है अगर ब्राइड को पसंद हो तो, वरना बिल्कुल हल्की सी कर दें ताकि जो फेस की आपकी डायमेंशंस हैं वो वापस आ जाएं। और ब्राइडल कॉन्टोरिंग ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्लैट वाइट फेस नहीं चाहिए होता, उसमें डायमेंशन होनी चाहिए सब तरीके से अच्छी। और अब ये मैं एक पिंक ब्लश ऑन लगा रही हूँ उनके, और अब ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, सॉफ्ट एंड जेंटल बाय मैक। ये बहुत अच्छा लगता है जब आपने आई लुक बहुत ज़्यादा डार्क किया हो तो, बहुत डार्क हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता। ये बहुत सॉफ्ट हाइलाइटर है और ऐसा लगता है बस बिल्कुल स्किन में ही ये ग्लो है, आपने कोई हाइलाइटर ऊपर से नहीं लगाया है। अब ये मैं इनर कॉर्नर में, सॉरी वाटर लाइन में काजल लगा रही हूँ। ब्राइड की आईज अगर वाटर होने लगे तो पैनिक ना करें, एक टिश्यू को फोल्ड करें, उसकी कोन बनाएं पतली सी और आंखों के कॉर्नर्स में रख के वहां पे टियर को एब्जॉर्ब कर लें। अभी मैं उनकी अपनी जो लैशेस हैं उन पे मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा ब्राइडल या आपकी जो क्लाइंट्स का हो उसको हमेशा वॉन्ड से लगाएं, डायरेक्ट जो आपके मस्कारे के अंदर वॉन्ड है उससे ना लगाएं, इससे बहुत ज्यादा जर्म्स फैलते हैं और ये वॉन्ड्स डिस्पोजेबल होते हैं, तो इनको हमेशा फेंक दें, इनको रीयूज मत करें। यूज वॉन्ड को कभी भी मस्कारा ट्यूब के अंदर ना डालें। भी मैं थोड़ा सा आईब्रोज को फिनिशिंग टच दे रही थी क्योंकि उस पर फाउंडेशन लग गया था। और अब ये मैं लोअर लैश लाइन जो है उस पर आई शेडो लगा रही हूँ। जो आई शेडोज मैंने ऊपर यूज करे थे आईलिट पे वही लोअर लैश लाइन पे लग रहे हैं, पिंक एंड अ बिट ऑफ ब्लू और थोड़ा सा ब्लैक जो मैंने काजल लगाया है उसको स्मज कर रही हूँ। आज वेदर जो है वो बहुत ही बारिश वाला है, इसलिए वीडियो कभी डार्क हो रही है कभी लाइट,
लेकिन मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, लेकिन फिर भी उससे जो है कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है हमारा लुक, और बहुत ही एक लाइट सी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो ये पहले मैं आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ, ये सब फास्ट फॉरवर्ड हुई हुई है क्योंकि लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा देर लगती है, और बहुत ही खूबसूरत लगी होनी चाहिए ब्राइडल लिपस्टिक, उससे बहुत ही अच्छा कंप्लीट लुक आता है। ये मैंने जब लिपस्टिक लगाई तो ये मुझे बहुत ही लाइट लगी, तो अब मैंने थोड़ी सी एक डार्कर लिपस्टिक लेके वो लगाई है। अभी मैं थोड़ा सा फ्लैट ब्रश में कंसीलर लगा के लिप्स को क्लीन कर रही हूँ। शायद मैंने थोड़ी और डार्क लिपस्टिक ली है और वो आउटलाइन में लगा रही हूँ। आउटलाइन बहुत ही नाइट नीटली और बहुत ही ज़्यादा जो है वो सफाई से क्रिएट होनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ब्राइडल लिपस्टिक बहुत नीट लगी हो। अब ये मैं 3D में ग्लैशेस लगा रही हूँ उनके, ब्राइड के जब भी आप लैशेस लगाएं पहले उसको पैक से निकाल के उनकी लैश लाइन पे रख के देख लें कि उनकी लैश लाइन से बड़ी ना हो, वरना वो उनको थोड़ी चुभेंगी और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होंगी, और इवेंचुअली आँखों से पानी निकलेगा तो वो निकल जाएंगी। ये बहुत ही खूबसूरत आई लुक क्रिएट हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लैश बैंड हो उसके ऊपर हमेशा आईलाइनर लगाएं, वरना जो ग्लू होता है वो चमकने लगता है और वो बहुत ही अनटाइडी लुक देता है। ये मैं इनर कॉर्नर्स में थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ जो मैंने उनके यूज़ किया था, और ये अब हमारा फिनिशिंग लुक है। उनकी लैशेस ड्राई हो रही थी इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी देर आंखें बंद रखें, और अभी क्विकली जो बाल हैं मैं उनको क्लीन अप कर रही हूँ, जो फ्लाई आउट्स हैं उनको हेयर स्प्रे करके, और थोड़े से जो उनकी ये मैंने साइड से टेंड्रल्स छोड़े थे उनको क्विकली कर्ल कर रही हूँ दोबारा। दोनों तरफ से जब भी आप ब्राइड के हॉट टूल कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो उनको पहले याद दिला दें कि मैं हॉट टूल आपके फेस के करीब यूज़ कर रही हूँ, ताकि कोई कॉल आए या कोई आवाज़ दे या कोई भी बात हो तो वो फ़ौरन से मुड़ के ना देखें, और खुदा ना खास्ता उनका फेस या उनका नेक या शोल्डर कुछ जल ना जाए। ओके, सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक, और बहुत ही खूबसूरत ये लुक क्रिएट हुआ है, मुझे बहुत ही पसंद आया एंड आई एम रियली हैप्पी। और जितना मुझे ये लुक क्रिएट करना अच्छा लगा, आई होप आपको देखना भी अच्छा लगे और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर लर्न किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।